क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको भी. सबसे पहले तो परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, किस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है, क्या कॉस्ट्यूम यूज करने वाले हैं, कौन से गाने यूज करने वाले हैं. सो दो टाइप की परफॉर्मेंसेज हैं मेनली, इंडियन एक्ट और वेस्टर्न. और जो मैं इंडियन बोलती हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली इंडियन, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा जो हमारा बॉलीवुड का होता है वैसा. इनफैक्ट वेस्टर्न मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने गाने से, पारो से. और मैं उसमें फेमस सॉन्ग्स हैं, दिस चिटिया कलाया, दिस मनाली ट्रांस, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. और उसको मैं एंड कर रही हूँ हमारी फिल्म के लड़कों के गाने से, शराबी, जिसमें मुझे फिल्म में उस पर डांस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ये मौका मेरे हाथ में आया सर, एटलीस्ट मैं स्टेज पे तो करूँगी, यू नो, बिकॉज पंचनामा में, प्यार का पंचनामा में सिर्फ लड़कों ने किया था उसमें. सो यस, आई एम एंडिंग दैट विद शराबी. एंड देन देर इज़ द इंडियन बॉलीवुड वाला, जिसमें हमारे फेमस आइटम सॉन्ग्स हैं और बहुत सारे गाने. कहाँ पर परफॉर्म करने वाली और क्या कुछ प्रिपरेशन चल रहा है आपकी तरफ से? सो मेरी सिटी है अहमदाबाद. अभी इनफैक्ट मेरी अहमदाबाद में अभी रीसेंट टाइम्स में थर्ड विजिट होगी. प्रमोशंस के टाइम पे हम दो बार गए थे एंड आई रियली लाइक दैट सिटी. सो आई एम वेरी हैप्पी कि अहमदाबाद में मुझे परफॉर्म करने मिल रहा है. इनफैक्ट मैंने स्पेशली अपने इंडियन एक्ट में एक नॉट एग्जैक्टली गुजराती, हाँ बट गुजराती, सलमान खान का गाना तू नथी भी इंक्लूड करवाया है. And that's specially for Ahmedabad. So yeah. सोनाली पहली बार होगा जब आप ये New Year की पार्टी में परफॉर्मेंस करने वाले? Yes, ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम है. इनफैक्ट सेकेंड ईयर इन अ रो है कि मैं न्यूयॉर्क पे काम कर रही हूँ. और लास्ट ईयर 31st को हम प्यार का पंचनामा के लिए शूट कर रहे थे एंड फर्स्ट को भी हमने शूटिंग की थी. सो वो काम करते हुए गया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी. और ये सेकंड ईयर की जब मैं काम कर रही हूँ, बट मेरा पहला साल है कि मैं किसी 31st को कहीं पे परफॉर्म कर रही हूँ. सो कैसा रहा ये साल आपके लिए? बहुत अच्छा, लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. एंड आई रियली 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 होप एंड प्रे टू गॉड दैट आने वाले साल भी यू नो इससे बेहतर बेहतर ही होते रहें. आई एम वेरी लकी कि यू नो हमारी फिल्म पार्ट वन से भी बेटर हुई एंड इट्स अ गुड हिट. सो या क्योंकि आपकी फिल्म को इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, क्या आप जो आप किरदार था आपका फिल्म में, क्या आप रियल लाइफ में कैसे हैं? इस क्वेश्चन से मैं परेशान हो गई हूँ. बट नहीं, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ. बट ये ज़रूर बोलूँगी कि जब मैंने पार्ट वन की थी और उसमें जब ऐसा सा कैरेक्टर मिला था एंड उसके बाद पार्ट टू, और मैंने अपने मतलब डायरेक्टर से क्वेश्चन कर करके कि ऐसी कौन सी लड़कियाँ होती हैं, कहाँ होती हैं, बट उन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि मैं रियल लाइफ में ऐसी तो नहीं हूँ, लेकिन एक दो ट्रिक्स मैंने अपने कैरेक्टर से ज़रूर सीख लिए हैं, यू नो पंचनामा करने के, तो वो मैंने इनकॉर्पोरेट किया. बट नो, इन रियल लाइफ आई एम नॉट लाइक. अगर सुना लिया आप ऐसी नहीं हैं, तो आपके कभी प्यार का पंचनामा हुआ है? नहीं. ठीक, क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ ना, तो ना मेरे साथ हुआ है, ना मैं करती हूँ, ना मेरे साथ होता है. आई थिंक प्यार का पंचनामा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्होंने कभी ना कभी किसी के साथ किया होगा. लाइक मेरा मानना है, और मैं अक्सर ये चौका सनी के साथ जो मेरे को एक्टर है मजाक भी करती थी, आई से पक्का तूने और किसी लड़कियों का पंचनामा किया होगा, इसीलिए सुप्रिया तेरा फिल्म में पंचनामा कर रही है. सो अच्छा, न्यू ईयर आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती है? हाँ, बनाने में भी तोड़ने में भी. तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन नए साल के लिए आपने बनाया होगा? इस बार मेरा रेजोल्यूशन है कि कोई रेजोल्यूशन ना तोड़ूं. बट इस बार का मेरा एक्चुअली एक रेजोल्यूशन है. सो मैंने बहुत टाइम में कोई हॉलीडे नहीं लिया है. एंड ओवा कंट्री क्लब की कॉन्फ्रेंस में स्पीकिंग अबाउट हॉलीडे, विच इज़ ग्रेट. सो या मेरा डेफिनेटली रेजोल्यूशन ये है कि मैं एटलीस्ट दो हॉलीडेज लूँ, एक अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, और एक जिसमें मैं अपने डॉग्स के साथ भी, यू नो मेरे दो डॉग्स है बाउंटी कैंडी, उनके साथ भी कोई आस पास जाके कोई हॉलीडे. सो डेफिनेटली दो हॉलीडेज मैं लेना चाहती हूँ. Lots of them, yeah. I have lots of them, but mainly it's to do good work. There are a lot of people I want to work with. So basically, yeah, अच्छा काम करते रहना है, बस रुकावट ना है. सोनाली, आने वाले साल में कोई फिल्मों में आप काम दिखने वाली आने वाले साल? Again, I hope so. अभी so basically जहाँ पे भी बात चल रही है, and I know it sounds very cliche, but मैं नहीं बोल सकती उसके बारे में अभी तक, लेकिन कुछ भी final नहीं हुआ है. So hopefully, yes. आपको लगता है कि 2 के बाद आप ज़्यादा लोकप्रिय हुई 1 के बजाय? हाँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि
आई थिंक एक डायरेक्ट नंबर्स की भी बात होती है बिकॉज पार्ट टू ने ऑब्वियसली ज़्यादा बिजनेस किया है, ज़्यादा नंबर्स किया है, सो दैट मेनी पीपल यू नो आपको पसंद करते हैं. इस चीज़ का एक स्ट्रेट एग्जाम्पल था यू नो पंचनामा वन के बाद. एक्चुअली दिल्ली नॉर्दर्न बेल्ट हमारे लिए बहुत बड़ी है, वहाँ पर फिल्म बहुत ज़्यादा चली है. इनफैक्ट 9 हफ्तों तक चली थी, लास्ट वीक तक चल रही थी. सो जब मैं पंचनामा वन के बाद दिल्ली गई थी, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स था, पीपल कम. पंचनामा टू के बाद जब मैं गई थी अभी रिसेंटली, 3 दिन पहले मैं दिल्ली में थी, मुझे रियलाइज़ हुआ मैं शॉपिंग के लिए गई बिकॉज मुझे दिल्ली में शॉपिंग करना पसंद है और मैं नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज मॉब्ड. सो वो फैंस का प्यार दिखता है एंड मुझे मॉल छोड़ के भाग के आना पड़ा, बट डेफिनेटली लोकप्रियता बहुत बहुत ज़्यादा है इस बार. Yes, I wish from my heart a very, very, very happy new year to all the viewers. Have a great, fantastic and a very, very blessed 2016.